नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रेटिनो क्रीम का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, रेटिनो क्रीम को कैसे लगाना चाहिए और रेटिनो क्रीम की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि रेटिनो क्रीम को लगाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में रेटिनो क्रीम को लगाना रिकमेंडेड नहीं होता है। रेटिनो क्रीम का उपयोग मुख्य रूप से एक्ने यानी मुंहासों की समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा रेटिनो क्रीम का उपयोग चेहरे पर झुर्रियां होने पर और चेहरे पर दाग धब्बे होने पर भी किया जाता है। रेटिनो क्रीम चेहरे पर दाग धब्बों को कम करके रंग को साफ व गोरा करती है। इसके अलावा रेटिनो क्रीम का उपयोग एक्ने स्कार होने पर, स्ट्रेच मार्क्स होने पर और ओपन पोर्स होने पर भी किया जाता है। इसके अलावा चेहरे पर छोटे छोटे सफेद दाने होने पर भी रेटिनो क्रीम का उपयोग किया जाता है। रेटिनो एक ब्रांड नेम है। रेटिनो क्रीम के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन ट्रिटिनोइन होता है। दोस्तों कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि रेटिनो क्रीम को कैसे लगाना रिकमेंडेड होता है। ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर रेटिनो क्रीम को दिन में एक बार और रात को सोने से पहले लगाने की सलाह देते हैं। एक मटर के दाने जितनी रेटिनो क्रीम आपके पूरे चेहरे पर लगाने के लिए काफी होती है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में रेटिनो क्रीम को लगाने से आपकी त्वचा में लालपन, जलन और खुजली हो सकती है। इसलिए रेटिनो क्रीम की एक पतली लेयर ही चेहरे पर लगानी चाहिए। रेटिनो क्रीम को लगाने से पहले आपको अपने हाथों व चेहरे को पानी की मदद से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए और उसके बाद आपको अपने हाथों और चेहरे को एक साफ कपड़े की मदद से साफ कर लेना चाहिए और चेहरे को कम से कम 20 मिनट अच्छी तरह सुखाने के बाद रेटिनो क्रीम की एक पतली लेयर चेहरे के प्रभावित एरिया पर लगानी चाहिए। रेटिनो क्रीम को एक उंगली की मदद से हल्के हाथ से फैला कर लगाना चाहिए और रेटिनो क्रीम को ज्यादा रगड़ कर नहीं लगाना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि रेटिनो क्रीम की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। रेटिनो क्रीम की वजह से त्वचा में जलन, त्वचा में लालपन, त्वचा में खुजली और त्वचा में सूखापन हो सकता है। अगर आपकी त्वचा में सूखापन ज्यादा होता है तो आप दिन के समय में वैसलीन या कोई अन्य मॉइस्चराइजर क्रीम लगा सकते हैं, ताकि आपकी त्वचा में सूखापन, खुजली और जलन ज्यादा न हो। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में रेटिनो क्रीम की वजह से त्वचा की एक पतली लेयर पपड़ी बनकर उतर सकती है। शुरुआत में जब आप रेटिनो क्रीम को लगाना शुरू करते हैं तो शुरुआत के कुछ सप्ताह में आपके चेहरे पर मुंहासों की समस्या कम होने की बजाय ज्यादा हो सकती है, लेकिन रेटिनो क्रीम को लगातार लगाने के 6 से लेकर 8 सप्ताह बाद रेटिनो क्रीम के अच्छे परिणाम दिखना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको रेटिनो क्रीम को 12 सप्ताह लगातार लगाने के बाद भी मुंहासों की समस्या में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है तो आपको डॉक्टर से दोबारा परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि आपका डॉक्टर आपके ट्रीटमेंट में बदलाव कर सकता है। अगर आपको रेटिनो क्रीम को लगाने के बाद कोई भी असामान्य लक्षण होता है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि रेटिनो क्रीम को लगाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में रेटिनो क्रीम को लगाना रिकमेंडेड नहीं होता है। रेटिनो क्रीम की वजह से त्वचा सूरज की धूप के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाती है, इसलिए दिन के समय में सूरज की धूप में जाने से बचना चाहिए, क्योंकि रेटिनो क्रीम को लगाते समय ज्यादा देर तक सूरज की धूप में रहने की वजह से त्वचा सूरज की धूप की वजह से डैमेज हो सकती है और त्वचा का रंग काला भी हो सकता है। अगर आपको किसी कारणवश धूप में जाना भी पड़ता है तो सूरज की धूप में जाने से पहले आपको अपने चेहरे पर सनस्क्रीन लोशन को लगाना चाहिए या आप धूप से बचाव करने के लिए अम्ब्रेला यानी छत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं। रेटिनो क्रीम को नाक और मुंह के किनारों के पास लगाना रिकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए रेटिनो क्रीम को नाक और मुंह के किनारों के पास नहीं लगाना चाहिए। रेटिनो क्रीम को सूरज की धूप की वजह से डैमेज हुई त्वचा पर कोई इन्फेक्शन होने पर, त्वचा पर कोई घाव होने पर लगाना रिकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए रेटिनो क्रीम को घाव के ऊपर या घाव के आस पास नहीं लगाना चाहिए। 9 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए रेटिनो क्रीम का उपयोग करना रिकमेंडेड नहीं है।
इसलिए 9 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रेटिनो क्रीम को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको रेटिनो क्रीम या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट जैसे ट्रेटिनोइन आदि से एलर्जी है तो आपको रेटिनो क्रीम को नहीं लगाना चाहिए और इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं रेटिनो क्रीम को लगा सकती है या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए रेटिनो क्रीम को लगाना रेकमेंडेड नहीं है क्योंकि रेटिनो क्रीम माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती है और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी रेटिनो क्रीम को लगाना सुरक्षित नहीं है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को रेटिनो क्रीम को लगाने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को रेटिनो क्रीम को नहीं लगाना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका रेटिनो क्रीम से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।